नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं मुस्कान, आप दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है अजय कुमार जी। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद इस स्टूडियो में बुलाने के लिए आपको। अजय जी, आप कपड़े का व्यवसाय है, 3 दिन दुकान बंद रहता है, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अभी कोरोना महामारी चल रहा है, जिसमें सरकार की ओर से जो गाइडलाइन दिया गया है, हर जिला में अपने अपने स्तर से जिला कलेक्टर के द्वारा निर्देशित जो भी आदेश दिया जाता है, उसके मुताबिक लोग उसको फॉलो करते हैं। और 3 दिन का जो ये बंदी दिया गया है, वो बिल्कुल निराधार है, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। अगर यही चीज 3 दिन सोम मंगल बुध बंद कर दिया जाता, सारा मार्केट को बंद कर दिया जाता, बृहस्पति शुक्र शनिचर खोल दिया जाता, तो हमको लगता है कि महामारी का जो दंश है, जो छुआछूत अभी पकड़े हुए लोगों को एक दूसरे से, उस पर लगाम लगाया जा सकता था। लेकिन ई लॉकडाउन जो है, एक दिन बीच कर करके लोग इसको उतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं जितना होना चाहिए, जिससे इस पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। अगर जिला प्रशासन इस चीज को 3 दिन लगातार बंद कर दे, तो हमको लगता है कि इससे लोगों को बहुत ज्यादा इस पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगा, और लोग भी अपने घर के में बंद रहेंगे, जिससे इसका चैन टूटेगा, और चैन टूटेगा तो लोग राहत की सांस लेंगे। अजय जी, बिना मास्क के लोग रात में घूमते हैं, 100 से भी ज्यादा लोग बिना मास्क के रहते हैं, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, 100 लोगों का प्रोटोकॉल शादी विवाह के लिए सरकार की ओर से दिया गया है, और अगर प्रोटोकॉल का पालन करके, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके अगर लोग इस चीज को कर रहे हैं तब तो ठीक है, अगर नहीं कर रहे हैं तो इसको पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जाए, जिससे कोरोना महामारी रुके। और हमको लगता है कि इस चीज का पूरा हर आदमी व्यक्ति को जानकारी है, और उस चीज का पालन करें, जिससे कोरोना महामारी को रोकने में बहुत ही सहायता होगा। और प्रशासन भी अपने स्तर से पूरा सहयोग दे रहे हैं, जहां तक उनसे वो बन सकता है, लोगों को माइकिंग के द्वारा, माने प्रचार के द्वारा लोगों को समझाया जा रहा है। और हमको लगता है कि लोग इसमें सतर्क भी हैं, और इसमें थोड़ा सा अपने आप को सेफ्टी भी समझ रहे हैं, जिस प्रकार से निर्देश दिया गया है, तो मास्क पहन के ही निकलने में ज्यादा समझदारी हमको लगता है। अजय जी, आपके लिए आखिरी सवाल, माना जा रहा है 2 मई से लॉकडाउन, संपूर्ण लॉकडाउन होने हो सकता है, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, बंगाल में चुनाव हो रहा है और 2 तारीख को ये चुनाव खत्म होने वाला है, जैसा कि न्यूज़पेपर में देता है, हम लोग भी सुनते हैं, सुनने में आया है कि 2 तारीख के बाद संपूर्ण लॉकडाउन हो जाएगा। ये हमारे पूरे देश में महामारी फैल चुका है, जिसको गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को चाहिए था कि पहले से ही लॉकडाउन लागू कर देते, या उसको सिस्टमेटिक ढंग से इस चुनाव को बंद कर देते तो ज्यादा अच्छा रहता। बंगाल में तो महामारी का दौर शुरू हो चुका है, और हमको लगता है इसी परिवेश में चुनाव को लेकर के जो वातावरण बना है पूरे देश में, बंगाल चुनाव खासकर, वो 2 तारीख को खत्म हो रहा है, तो इसको लेकर के सरकार पूरे देश में लॉकडाउन लगाने जा रही है, जो हम सुनने में आया, ये हम नहीं कह सकते कि लग जाएगा, लेकिन सुनने में आया है कि लग जाएगा 2 तारीख के बाद, चुनाव के बाद। ये गलत निर्णय है, ये पहले से हो जाना चाहिए था, जिससे इस पर अंकुश लगाया जाता और हम सब उसका पालन कर। धन्यवाद। हमारे चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं। Kindly subscribe to our channel Hindustani Media and press the bell icon for the latest updates.